हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। ये यूनिट बहुत ही ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें हमने बेसिकली पता है क्या देखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मीनिंग क्या है, उसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, सो हमें बेसिकली सब्जेक्ट का मतलब ही समझना है इस यूनिट में से। सो यूनिट वन इज वेरी वेरी इजी। सो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का और टाइप्स क्या है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट में से। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें ना, तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमें चेंजेस लेके आने हैं। चेंजेस क्यों लाएंगे? ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो और ज्यादा बेटर हो पाए। सो ऑर्गेनाइजेशन चेंज की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन चेंज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशंस टू स्ट्रक्चर। आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस ला सकते हो, स्ट्रैटेजीज में भी चेंजेस ला सकते हो, जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस चल रहा है कोई भी उसमें चेंजेस ला सकते हो, कल्चर में चेंज ला सकते हो या सिस्टम में चेंज ला सकते हो। आप ये सारे चेंजेस क्यों लाओगे? कि जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो पाए, या जो भी नए सर्कमस्टांसेस आप उनको अडॉप्ट कर पाओ, या जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं उन पे कैपिटलाइज कर पाओ, या अगर आपको कोई चैलेंजेस आ रही हैं आप उन चैलेंजेस को एड्रेस कर पाओ। सो ऑर्गेनाइजेशन चेंज का बेसिकली मतलब है आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लेके आ रहे हो, ऑल्ट्रेशन लेके आ रहे हो, ताकि आपकी जो अभी करेंट सिचुएशन है आप उसको बेटर बना पाओ। तो कंसेप्चुअली ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मतलब है कि जो भी आपका डायनामिक इन्वायरमेंट है, आपको पता है कि जो बिजनेस है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में ऑपरेट होता है। सो आपको पता है कि आपको अगर कॉम्पिटिटिव रहना है, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, तो आपको कंटिन्यूसली इवॉल्व भी करना पड़ेगा, अडाप्ट भी करना पड़ेगा। सो चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो जो चेंजेस हैं उनका कारण इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में या तो कोई टेक्निकल चीज़ें आ गई है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, या फिर आप मर्जर और एक्विजिशंस वगैरह कर रहे हो। एक्सटर्नल में क्या हो सकता है? एकदम कोई रेगुलेटरी चेंज आ गया या कोई नए ट्रेंड्स आ गए, उनके साथ पेसअप करने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ला रहे हो। सो अभी तक हमने जाना कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज का मतलब है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशंस कर रहे हो, जिसका रीजन इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। आई होप सभी को ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज का नेचर क्या होता है और टाइप्स क्या होते हैं। देखो, नेचर के जो ये पॉइंट्स हैं, आप चार पांच बेसिकली पॉइंट्स याद कर सकते हो, बाकी पॉइंट्स अपने आप बना देना। आप खुद ही सोच के देखो, वो जो चेंज है दुनिया में ना, सिर्फ एक ही जो चीज़ है जो कॉन्स्टेंट होती है, दैट इज चेंज। चेंज इज द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड दैट इज कॉन्स्टेंट, राइट? सो जो नेचर है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का वो कैसा है, मैंने जितने भी पॉइंट्स नीचे एक्सप्लेन करे हैं एक बार मैंने उनकी हेडिंग्स यहाँ पे मेंशन कर दी, ताकि आपके लिए लर्न करना ईजी हो जाए। ठीक है, सो नेचर क्या है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का? चेंज क्या है? कॉन्टिन्यूस है, और चेंज को हम इनएविटेबल है कि हम चेंज को स्किप नहीं कर सकते, हमें करना ही पड़ेगा, राइट? उसके बाद चेंज क्या है? कम्प्लेक्स है और बहुत सारी चीज़ों के साथ इंटरकनेक्टेड है। सो चेंज इज कॉन्टिन्यूस, चेंज इज कम्प्लेक्स, चेंज की मल्टी फेसेस हैं, चेंज मतलब चेंज को करने की मल्टी फेसेस ड्राइवर्स हैं, और ऑब्वियसली कई बार आप जब चेंज करते हो ना तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और कई बार क्या होता है जो आपके इंप्लॉयज हैं ना वो रेजिस्ट करते हैं कि हमें चेंज नहीं चाहिए। सो रेजिस्टेंस भी हो सकती है और बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं जब भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे अपने अंदर चेंजेस लेके आना। सो ऑब्वियसली अगर चेंज होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें इफेक्ट होएगा, और चेंज जब होगा तो कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ चलती रहेगी। चेंज रिक्वायर्स अ लीडरशिप एंड अ विजन, और चेंज जब होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी और एजाइलिटी दोनों होती हैं। सो मैंने जो नेचर है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का ये पॉइंटर्स मेंशन कर दिए हैं, आप ये पॉइंट्स लर्न कर लेना, वरना अगर आप नहीं भी लर्न करोगे आप अपने आप भी बना के आ सकते हो। तो चेंज क्या है? इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब होता है कि हमें अडाप्ट करना, प्रोएक्टिवली अडाप्ट करना बहुत जरूरी है। चेंज एक वन टाइम इवेंट नहीं है, चेंज एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन चेंज है वो दैट इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि आपको पता है आपको मल्टीपल डायमेंशन समझनी पड़ेगी, लोगों को समझना पड़ेगा, प्रोसेस को समझना पड़ेगा, नेचर एंड सिस्टम्स को समझना पड़ेगा। सो चेंज के क्या होते हैं? बहुत सारे रिपल इफेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अगर आप पूल में स्टोन को थ्रो करते हो रिपल इफेक्ट्स आते हैं ना, वैसे ही अगर आप चेंज अडॉप्ट करते हो तो बहुत सारे रिपल इफेक्ट्स आते हैं। चेंज क्या है? मल्टी फेसेड है, मतलब चेंज के लिए आपको मल्टीपल चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती है, मल्टीपल ड्राइवर्स कंसीडर करने पड़ते हैं, इंटरनल ड्राइवर्स भी देखने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और एक्सटर्नल ड्राइवर्स भी कंसीडर करके चलने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप ये ड्राइवर्स नहीं समझोगे, मतलब ड्राइवर्स का बेसिकली मतलब होता है मल्टीपल फैक्टर्स, तो हमें मल्टीपल फैक्टर्स समझने पड़ेंगे कि हमें चेंज क्यों चाहिए। उसके बाद क्या हो सकता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करना चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन में रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि उनकी जॉब
सिक्योरिटी को खतरा है, लॉस ऑफ कंट्रोल को खतरा है, कुछ लोग हैं उनको रिजिस्ट करने लग जाते हैं कि भाई हमें नहीं चेंज चाहिए, तो रिजिस्टेंस भी हो सकती है लोगों की तरफ से। और जब भी चेंज होएगा लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी वजह से उनको स्ट्रेस भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है। तो उस टाइम पे आपको ऐसा मैनेजमेंट कल्चर एस्टैब्लिश करना है कि आप एक पॉजिटिव कल्चर एस्टैब्लिश कर रहे हो, इंडिविजुअल की कंसर्न्स और नीड्स को समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजाइलिटी, तो जब चेंज होता है तो उस टाइम पे आपको इनकरेज करना है कि सब इनोवेशन से काम करें, एक्सपेरिमेंटेशन एंड लर्निंग से काम करें, और आपको इनकरेज करना है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजाइलिटी। नेक्स्ट, इस जब भी चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो लोग लर्न करें और साथ में ग्रो करें। आपको पता है कि चेंज को कैसे मैनेज करना है, तो आप सबके पास एबिलिटी होनी चाहिए लर्न करने की, और जो पुरानी बेकार चीज़ें हैं उनको अनलर्न करने की और रीलर्न करने की। देखो लर्न तो कर लेते हैं काफ़ी लोग, बट काफ़ी लोगों के लिए ना अनलर्न और रीलर्न करना मुश्किल हो जाता है। सो यू शुड हैव एन एबिलिटी टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। उसके बाद लीडरशिप, जब भी हम चेंज कर रहे हैं तो जो लीडर्स हैं वो इफेक्टिव होनी चाहिए, उनका क्लियर विजन होना चाहिए, और जो अभी चेंजेस हैं नीड क्या है चेंज करने की वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। सो आई होप आपको जो नेचर है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का वो क्लियर हुआ होगा कि जो नेचर है दैट इज कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल फोर्सेज होती हैं जो चेंज को डराइव करती हैं, इम्पैक्ट होता है मल्टीपल लोगों की लाइफ पे, और कई लोग रिजिस्ट भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजाइलिटी होना जरूरी है। जब चेंज आता है तो लर्निंग एंड ग्रोथ करना साथ में बहुत ज़्यादा जरूरी है, और एक अच्छा लीडर और जिसका प्रॉपर विजन हो वो भी हमें चाहिए। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। मतलब अगर आपके माइंड में ऑर्गेनाइजेशन चेंज का कोई भी वर्ड आता है, आप उसको यहाँ पे फीचर्स में या नेचर्स में लिख के आ सकते हो। आई होप सभी को ये टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना चाहते हो वो कौन कौन सी तरह का हो सकता है, उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। सो टाइप्स की हमें डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट टाइप्स के नाम याद कर लेना, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि हम किसकी बात करें, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ चेंज मैंने यहाँ पे टोटल मेंशन करा है 8 टाइप्स का चेंज मेंशन करा है। सो वैसे बेसिकली कौन कौन से टाइप का चेंज आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है, स्ट्रैटेजी में चेंज आ सकता है, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी में आप चेंज ला सकते हो, प्रोसेस में चेंज ला सकते हो, टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस। उसके बाद कल्चर में, पर्सनल में, मतलब जो स्टाफ आपके पास काम कर रहा है, फाइनेंशियल चेंज ला सकते हो और एक्सटर्नल चेंजेस ला सकते हो। सो आप ये हेडिंग्स अपने आप भी बना सकते हो, बट मैंने आपको बेसिक हेडिंग्स बता दी कि आप किन चीज़ों में चेंज लेके आ सकते हो, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, कल्चर, पर्सनल, फाइनेंशियल चेंज एंड एक्सटर्नल चेंज। थोड़ा सा क्लियर हो गया, बहुत ही इजी चेंजेस के मैंने नाम यहाँ पे मेंशन करे हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है आप ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, मतलब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स चेंज कर रहे हो, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्टिंग है, डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब चेंज कर रहे हो, या किसी के साथ मर्जर एक्वायर वगैरह भी कर सकते हो, तो भी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। स्ट्रैटेजी का मतलब है जो आपका मिशन है, विजन है, जो कोर स्ट्रैटेजीज हैं वो सब चेंज कर रहे हो, प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, पोजिशनिंग वगैरह चेंज कर रहे हो। टेक्नोलॉजिकल चेंज मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर रहे हो, इंप्रूवमेंट्स ला रहे हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो, नए सिस्टम्स ला रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सब इंटरैक्टिव चीज़ों को इंट्रोड्यूस करो। प्रोसेस का मतलब है जैसे आपका जो प्रोसेस होता है उसको आप स्ट्रीमलाइन कर रहे हो या इंप्रूव कर रहे हो। सिक्स सिग्मा यूज कर रहे हो, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स यूज कर रहे हो, कि आपको जो प्रोसेस है वो री इंजीनियर कर रहे हो आप बेसिकली। कल्चर में चेंज मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज एंड बिलीव्स हैं उनमें चेंज ला रहे हो, सबको इंक्लूड करके चल रहे हो, इंप्लॉयज का इंगेजमेंट बढ़ा रहे हो, लीडरशिप का स्टाइल चेंज कर रहे हो, मतलब कल्चर ही चेंज कर रहे हो कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्शन हो रहे हैं। पर्सनल में चेंजेस ला रहे हो मतलब आप उनको जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रीअसाइन कर रहे हो, या फिर लोगों को निकाल रहे हो या लोगों को हायर कर रहे हो, तो भी पर्सनल चेंज होएगा। लोगों में चेंज हम कैसे ला सकते हैं, उनको ट्रेन एंड डेवलप करके भी चेंज ला सकते हैं। सो अगर वो अच्छा काम करें उनको रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं हम, ऐसे पर्सनल में चेंजेस लाने की कोशिश करें। फाइनेंशियल चेंजेस में हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं और हमारे एक्सपेंसिस को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, बजट को रीएलोकेट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। तो अलग अलग डिसीजंस रिगार्डिंग फाइनेंसिस जब हम लेके आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिकली चेंज आता है। और बहुत सारे और एक्सटर्नल चेंजेस क्या आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ग्लोबल या एनवायरमेंटल चेंज ले आए, कस्टमर की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग शिफ्ट ले आए, कोई और पॉलिटिकल फैक्टर्स या लीगल रिक्वायरमेंट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर आपको टाइप्स ऑफ चेंज आएगा आपने क्या करना है, ये वाली हेडिंग्स याद करके जानी है, स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रैटेजिक चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, प्रोसेस चेंज, कल्चरल चेंज, पर्सनल चेंज, फाइनेंशियल चेंज एंड एक्सटर्नल चेंज। सबको क्लियर हो गया? आई होप अभी
अभी आप चेंज ना ऐसे भी लिख सकते हो कि जो चेंजेस है ना वो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ला सकते हो या ऑर्गेनाइजेशन के कोई सब सिस्टम में चेंज ला सकते हो, ये भी एक्सप्लेन करके आ सकते हो, या फिर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप ट्रांसफॉर्म करो या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इंक्रीमेंट करो। सो चेंज कैन बी ऑर्गेनाइजेशन वाइड वर्सेज सिस्टम वाइड, या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल वर्सेज इंक्रीमेंटल चेंज। रेमेडल मतलब कोई चीज़ खराब हो गई है उसके बाद आप उसको एज अ रेमेडी यूज करो, उसको सही करने की कोशिश करो। रेमेडल चेंज भी हो सकता है या प्रिकॉशनरी या डेवलपमेंट चेंज भी हो सकता है, ठीक है। और जो चेंजेस हैं दैट कुड बी अ प्लांट चेंज और अनप्लांट चेंज। सो अगर आप चाहो तो आप ये सभी टाइप्स में समझा के आ सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल वाइड चेंज वर्सेज सब सिस्टम चेंज, ट्रांसफॉर्मेशनल वर्सेज इंक्रीमेंटल चेंज, रेमेडल वर्सेज डेवलपमेंटल चेंज एंड अनप्लांट वर्सेज प्लांट चेंज। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ प्लांट चेंज। देखो ये बहुत ही अच्छी है कि थ्योरीज हैं हमें इस यूनिट में, क्योंकि थ्योरीज के अगर आने के चांसेस हैं तो ये है कि हम लर्न करके जा सकते हैं और इजीली इस क्वेश्चन को अच्छे से इफेक्टिवली अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। मैंने बहुत डिफिकल्ट वाली थ्योरीज ऐड नहीं करी हैं, जो मुझे सबसे ईजी वाली थ्योरीज लगी थी मैंने सिर्फ वही ऐड करी है, ठीक है। सो हमें थ्योरीज ऑफ प्लांट चेंज को समझना है, क्या क्या थ्योरीज हैं प्लांट चेंज की। तो थ्योरीज ऑफ प्लांट चेंज की, जब भी हम चाहते हैं कि हमें प्लांट चेंज लेके आना है तो ऑब्वियसली हम चेंजेस के लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार करेंगे और मॉडल समझेंगे तभी हम चेंज लाएंगे। अगर हम अनप्लान्ड है वो तो अपने आप ही हो जाएगा। तो अगर हम प्लांट चेंज की बात करते हैं उस केस में हमें थ्योरीज कौन कौन सी हम लगा सकते हैं, तो कुछ सम प्रोमिनेंट थ्योरीज हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं। मैंने ज़्यादा डिफिकल्ट वाली नहीं करी है, मैंने थोड़ी ईजी वाली ट्राई करा है कि आपके लिए भी ईजी हो जाए उनको समझना। देखो सबसे पहले हम थ्योरीज के नाम याद कर लेते हैं, और कितनी थ्योरीज मैंने मेंशन करी है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे टोटल मेंशन करी है 7 थ्योरीज, ठीक है। हम 7 थ्योरीज लर्न कर सकते हैं प्लांट चेंज की। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं बट मैंने यहाँ पे मोस्टली 7 थ्योरीज मेंशन करी है। एक तो है फोर्स फील्ड एनालिसिस। कौन सी है? फोर्स फील्ड एनालिसिस, जो कि किसने दी है? कर्ट ल्यूइन ने दी है, कर्ट ल्यूइन ने। नेक्स्ट है लेविट मॉडल। किसका मॉडल? लेविट मॉडल। लिकर्ट सिस्टम एनालिसिस। देखो तीन हमारी एल से होगी, लेविन थ्योरी, लेविट थ्योरी, लिकर्ट थ्योरी, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारी है ओपन सिस्टम्स थ्योरी। कौन सी? ओपन सिस्टम्स थ्योरी। नेक्स्ट है सिक्स बॉक्स मॉडल। कौन सा मॉडल? सिक्स बॉक्स मॉडल। नेक्स्ट है लिविंस चेंज मॉडल। कौन सा? लिविंस चेंज मॉडल। एंड लास्ट वन इज मैकेंजिस 7S फ्रेमवर्क। सो लिविन की मैंने यहाँ पे 2 थ्योरीज मेंशन करी हैं, या फिर मुझे लगता है मैंने शायद सेम ही थ्योरी को मेंशन आउट कर दिया। फोर्स फील्ड एनालिसिस, लिविट्स मॉडल, लिकर्ट सिस्टम एनालिसिस, ओपन सिस्टम्स थ्योरी, नेक्स्ट वन इज सिक्स बॉक्स मॉडल, ल्यूविन चेंज मॉडल एंड मैकेंजिस 7S फ्रेमवर्क। क्लियर हो गया सबको नाम? ये सबको 7 names लर्न करने पड़ेंगे। इसमें आप अपनी तरफ से कोई भी एक्रोनिम या अपने हिसाब से इनको लर्न करके जा सकते हो। मैं हर एक बार ओवरव्यू सा दे देती हूँ हर एक थ्योरी का, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट हमारी थ्योरी है ये फोर्स फील्ड एनालिसिस थ्योरी है। ये किसने दी थी? कर्ट ल्यूइन ने दी थी। इसने कहा था हमें पता है कि बहुत सारी फोर्सेस हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है। एक तो फोर्सेस होती हैं जो चेंज को डराइव करती हैं, और कई बार क्या होता है रिस्ट्रेन करती हैं। तो कुछ फोर्सेस चेंजेस के फेवर में होती हैं और कुछ फोर्सेस चेंजेस के अगेंस्ट होती हैं। सो आपको समझना है दोनों फोर्सेस को कि क्या क्या ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो चेंज को प्रमोट कर रही हैं और क्या क्या रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं जो हिंडर कर रही हैं। सो जब आप इन फोर्सेस को समझोगे तभी आप उन फोर्सेस को स्ट्रेंथन कर पाओगे जो कि आपको ड्राइव कर रही हैं चेंजेस लाने के लिए, और जो रिस्ट्रेन कर रही हैं उनको वीकन कर पाओगे, तभी ही आप जो चेंज है उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाओगे। समझ आया? जो फोर्स फील्ड एनालिसिस थ्योरी है ये कर्ट ल्यूइन ने दी। तो बेसिकली 2 सेट ऑफ फोर्सेस हैं, ड्राइविंग फोर्सेस एंड हिंडरिंग फोर्सेस या फिर रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। तो हिंडरिंग वालों को हमें वीकन करना है और ड्राइविंग वालों को हमें स्ट्रेंथन करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज लेविट्स मॉडल। कौन सा मॉडल? लेविट्स मॉडल। ये हरोल्ड जे लेविट ने दिया था। उनका मानना ये था कि आपको पता है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करते हो बहुत सारी चीजें आपस में इंटरैक्ट करती हैं। सो आपको हर एक कंपोनेंट को समझना है और होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है। सो लेविट मॉडल के अकॉर्डिंग 4 main key components हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं लेविट मॉडल के अकॉर्डिंग? सॉरी, 4 components हैं, ठीक है। एक तो हो गया स्ट्रक्चर, एक हो गया टास्क, एक हो गया पीपल, एक हो गया टेक्नोलॉजी। सो 4 main components हैं। आपको सारे components को समझना है जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की बात करते हो। सो 4 components कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चर, टास्क, पीपल एंड टेक्नोलॉजी। इतना क्लियर हुआ? अब लिकर्ट सिस्टम क्या होता है? लिकर्ट सिस्टम का मतलब है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना चाहते हो आपको 4 तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं। मतलब उस टाइम में लीडरशिप स्टाइल्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सो लिकर्ट ने बेसिकली जो लीडरशिप स्टाइल्स है ना वो यहाँ पे मेंशन करें कि लीडरशिप कैसे कैसी हो सकती है। सो उसने बोला एक्सप्लॉयटेटिव, अथॉरिटेटिव लीडरशिप हो सकती है, और अथॉरिटेटिव में भी 2 तरह की हो सकती है, एक्सप्लॉयटेटिव
या बेनिवोलेंट। उससे बेटर फॉर्म क्या है, कंसल्टेटिव, कि वो जो उसके इंप्लॉयज हैं उनके साथ कंसल्ट करके चल रहा है। नेक्स्ट इज उनको पार्टिसिपेट करवा के चल रहा है, नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिव। सो चार तरह की हो सकती है, एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। अब आई होप आपको तीन मॉडल समझ आए होंगे। फोर्स फील्ड में हमारे पास दो थी, ड्राइविंग फोर्स एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्स। लिविट मॉडल में चार कंपोनेंट्स थे, स्ट्रक्चर, टास्क, पीपल, टेक्नोलॉजी। लिकर सिस्टम में हमारे पास चार तरह के सब सिस्टम्स थे, लीडरशिप टाइप्स थे। अथॉरिटेटिव अथॉरिटेटिव में दो, एक्सप्लॉयटेटिव या बेनिवोलेंट, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव ग्रुप्स। इसके बाद हमारी चार थ्योरीज बच जाती है। ओपन सिस्टम थ्योरी, ओपन सिस्टम थ्योरी का मतलब है ये जी मिलर ने दी थी, ये वाली जो थ्योरी है जी मिलर एंड एलवीबी ने मिलके दी थी। तो आप ये अगर पढ़ना चाहो नाम याद कर सकते हो, वरना इसको स्किप कर देना। सो इसमें क्या है, उसने बोला कि जब भी हम चेंज लाना चाहते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होकर चेंज आता है। सो आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटर्न इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस दर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थ्रू इनपुट्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड आउटपुट्स। कि जब भी आप चेंज लाते हो, आप ऑब्वियसली कुछ इनपुट डालोगे तो उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जिसकी वजह से आउटपुट आएगी। तो इन सबका इफेक्ट क्या पड़ेगा, आप इन्फ्लुएंस डालोगे इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इसमें हमें इन्वायरमेंट में चेंजेस को भी साथ के साथ समझना है, अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं। सो ओपन सिस्टम थ्योरी में आप ये डायग्राम बना के आ सकते हो, इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन और आउटपुट, और ऊपर इन्वायरमेंट लिख देना कि दिस मॉडल एम्फेसिस द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट एंड रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन देयर एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड थ्राइव। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है विज बोर्ड्स सिक्स बॉक्स मॉडल। विज बोर्ड का सिक्स बॉक्स मॉडल है, कौन सा मॉडल है, सिक्स बॉक्स मॉडल है। तो इस मॉडल में ऑब्वियसली सिक्स की एलिमेंट्स होंगे। सो ये सिक्स की एलिमेंट्स के आप नाम याद कर सकते हो, पर्पस होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है, रिवॉर्ड्स होते हैं, रिलेशनशिप होता है, लीडरशिप होता है एंड अदर हेल्पफुल मैकेनिज्म्स होते हैं। सो विज बोर्ड के सिक्स बॉक्स मॉडल के अकॉर्डिंग क्या क्या हमें समझना है, स्ट्रक्चर, पर्पस, रिवॉर्ड, रिलेशनशिप, लीडरशिप एंड हेल्पफुल मैकेनिज्म। तो अगर हम इन सबकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस समझेंगे तभी हम ऑर्गेनाइजेशन में प्लान चेंज लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट इज लेविन्स चेंज मॉडल। सो ये भी कर्ट लेविन ने दिया था, उसने बोला था थ्री स्टेजेस होती है बेसिकली जब भी हम चेंज लाना चाहते हैं, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग। सबसे पहले हम अनफ्रीज करेंगे, जो भी चीजें हैं करंट सिनेरियोस उनको अनफ्रीज करेंगे, देन जो भी हमें एवोल्यूशंस करने हैं वो चेंजेस करेंगे एंड देन रीफ्रीज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन इज मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क। सो ये मैकेंजी ने दिया था, इसने बोला था 7S फ्रेमवर्क दिया था, सात इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली ये वाली डायग्राम आपको बना के आनी है, सारे नेम S से स्टार्ट होंगे क्योंकि हमारा 7S फ्रेमवर्क है। ठीक है, स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ, सिस्टम, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड सेंटर में आपको लिख के आना है शेयर्ड वैल्यूज। ये शेयर्ड वैल्यूज हमेशा डायग्राम में सेंटर में ही आएगा, तो आप ये स्टार टाइप ऐसे डायग्राम बना के आ सकते हो मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क में, जिसमें 7 इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ, सिस्टम, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। एंड देन सेंटर में शेयर्ड वैल्यूज, कि अगर आप चेंजेस लाना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन में, आपको सारे एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा और ये आपस में म्यूचुअली रीइंफोर्स करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सीड करने में और चेंजेस को अडैप्ट करने में। सो अभी तक हमने थ्योरीज पढ़ ली, टाइप्स पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मीनिंग देख लिया। आई होप आपको सबको ऑर्गेनाइजेशनल चेंज समझ आ गया होगा। अभी हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है इस यूनिट का, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। अभी हमें चेंज समझ आ गया, अब हमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को समझना है। तो जब भी आप ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात करते हो, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मतलब है आप ओवरऑल डेवलप करने की कोशिश करो। चेंज का मतलब थोड़े चेंजेस लेके आ रहे हो, डेवलपमेंट का मतलब है प्रैक्टिस एंड इंक्वायरी दैट फोर्सेस ऑन इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन एंड फैसिलिटेटिंग देयर ग्रोथ एंड इफेक्टिवनेस। मतलब आप इंप्रूवमेंट्स तो कर ही रहे हो, साथ में के साथ आप ग्रोथ को फैसिलिटेट कर रहे हो और इफेक्टिवनेस बढ़ा रहे हो। सो ऑब्वियसली अगर आप सिस्टमैटिक और प्लान्ड अप्रोचेस अडॉप्ट करोगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स को एड्रेस करोगे, इंटरवेंशंस करोगे। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरवेंशन करना। आप अलग अलग चीजों में इंटरवीन करोगे और उन चेंजेस को मैनेज करोगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएंगे, डेवलप हो पाएंगे। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का, अभी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को एनहांस करना, इंप्लॉयज की सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना, एंगेजमेंट को बढ़ाना, पॉजिटिव वर्क कल्चर लेके आना। सो आपको सारा का सारा कम्प्लेक्स सिस्टम समझना है, उसके बाद जब आप उन चेंजेस को कर लोगे तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो जाएगी, जब उसमें ग्रोथ और इफेक्टिवनेस होगी। So, organizational development is a field of practice and inquiry that focuses on improving organizations and facilitating their growth and effectiveness. So, क्या क्या नेचर है एंड करेक्टरिस्टिक्स हैं, वही आप अपनी तरफ से लिख देना अपने आप बना के, कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की बात करते हैं, दैट इज प्लान्ड, ऑब्वियसली प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक होती है, ह्यूमनिस्टिक एंड बिहेवियरल साइंस बेस्ड होती है, कि हम ह्यूमंस को और उनके बिहेवियर को समझते हैं, सबको कोलैबोरेट करके और पार्टिसिपेट करके चलना पड़ता है। अब हम चेंज क्यों लाते हैं, ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़ पाए, इफेक्टिवनेस बढ़ पाए और अडैप्टेबिलिटी बढ़ पाए।
कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, चेंज ओरिएंटेड होता है और सिस्टम पर्सपेक्टिव होता है। सो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक दो याद कर लेना, बाकी अपने बनाया। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट करनी है तो उसका क्या प्रोसेस है। सो मैं आपको पहले प्रोसेस पूरा हेडिंग्स के साथ बता देती हूँ कि आप सबसे पहले असेसमेंट करोगे कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्वॉट एनालिसिस करोगे, बेसिकली कि ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करोगे, अपनी स्ट्रेंथ्स देखोगे, वीकनेसेस देखोगे, किन एरियाज में आप इंप्रूव कर पाओगे वो सब देखोगे। देन आप गोल सेट कर लोगे, आपने अपने आपको समझ लिया, देन आप गोल सेट कर लोगे। देन आप प्लानिंग करोगे कि आप क्या क्या स्टेप्स लोगे उन गोल्स को अचीव करने के लिए। देन ऑब्वियसली आप इंटरवेंशन डिजाइन करोगे, मतलब जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं आप उन चेंजेस को करोगे, देन इंप्लीमेंट करोगे, देन उन चेंजेस को मॉनिटर एंड इवैल्यूएट करोगे, देन उन पे फीडबैक एंड कम्युनिकेशन करोगे। अगर आपको लगता है कभी भी एडजस्टमेंट्स करने की, एडजस्टमेंट्स एंड अडैप्टेशन करोगे। देन उन सब चेंजेस को ये देखना कि सस्टेनेबल हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, एंड देन कंटिन्यूस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट करते रहोगे, एंड देन उस सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे। तो अगर हम जनरल लाइफ में बात करें, हम यही सब करते हैं। सबसे पहले अगर हमें खुद को इम्प्रूव करना है, हम खुद की असेसमेंट करते हैं, देन हमारे लिए गोल सेटअप करते हैं। सपोज हमें ये चीज़ अचीव करनी है, देन उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद जो हमारी डेली रूटीन है उसमें से ब्रेक होके कुछ और चेंजेस लेके आते हैं, देन उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करते हैं, मॉनिटर एंड इवैल्यूएट करते हैं, देन वो फीडबैक हमें मिलता रहता है। उसमें अगर हमें चाहिए हम एडजस्ट एंड अडैप्टेशन करते रहते हैं, एंड अगर सस्टेनेबल हों वो चेंजेस हमेशा लाइफ टाइम के लिए, इसलिए हम वो कोशिश करते हैं एंड कंटिन्यूसली लर्न एंड इंप्रूव करते रहते हैं। एंड जब हमारे एफर्ट्स हमारी रिजल्ट्स हमें देते हैं तो हम उस सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। सो आई होप आप सबके लिए ईजी हुआ होगा फर्स्ट यूनिट को समझना। अगर आपको जेन्युइनली वीडियो अच्छी लग रही है, यू कैन पुट योर कमेंट्स इन द सेक्शन बिलो, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड द टेलीग्राम ग्रुप, because something interesting is coming up very very soon.